नमस्कार दोस्तों, कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशि पर में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 28 फरवरी दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार, आज की तिथि त्रियोदशी, आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:47 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:20 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 1:32 से दोपहर 2:29 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप किसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 10:30 से सुबह 11:36 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9 और शुभ रंग है गुलाबी और नीला। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आप बहुत ही पेचीदा हालात से निकलने में कामयाब रहेंगे। भावुक फैसला लेते वक्त अपनी आर्थिकता ना छोड़ें, आज के दिन धन हानि होने की संभावना है। इसके लिए लेन देन से जुड़े मामले में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। आज का रोमानियत का मौसम जरा खराब लगता है क्योंकि आपका साथी आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करेगा। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इस राशि के छात्र छात्राएं आज अपने कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल या टीवी पर आवश्यकता से अधिक अपना समय ज्यादा बर्बाद करेंगे। असहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको जरूरत है कि जीवन साथी के साथ आपको कुछ समय बिताकर आपस में बातचीत करनी चाहिए। और दोस्तों अपनी सेहत को ध्यान में रखकर चीखने चिल्लाने से बचें। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन विशेष महत्व रहेगा। यह दिन प्रसन्नता और जिंदा दिली के साथ किसी खास संदेश को भी देगा। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं, आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही साथ दोस्तों आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आप अपने ग्रस्त जीवन को कुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करें जिसकी वजह से आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। दोपहर के बाद स्थितियों में थोड़ा बदलाव आएगा और हो सकता है कि आप अपने ससुराल वालों से बातचीत करें या उनसे मिलने जाएं। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन मान थोड़ा कमजोर रहेगा, यह सावधानी रखें। काम के सिलसिले में आपको सफलता मिल सकती है। और दोस्तों पत्नी की नाराजगी मानसिक तनाव देगी, अपनी गलती कबूल करना सीखिए। आज आप काम के बारे में उचित निर्णय लेंगे। परिवार से जुड़ा निर्णय लेने में परहेज रखें। दूसरे शहर से नौकरी या व्यवसाय संबंधी अवसर प्राप्त होगा। आप अपने आने वाली कठिनाइयों का सामना आपको अकेले करना पड़ेगा। मित्र या परिवार चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। घर के सदस्यों को एकजुट रखने की कोशिश आपकी नाकाम होगी। ज्येष्ठ व्यक्ति की सलाह आपको माननी चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। महत्वपूर्ण मामले में कंधे पर बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए आपको मदद ले सकते हैं। पति पत्नी व्यस्तता की वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे।
जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, वह घर पर माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। आज आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजना बनेगी और वे तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ लोगों को सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। किसी महंगे सामान की खरीदारी में जल्दबाजी ना करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि कार्य क्षेत्र में अपने लिए अच्छी जगह बनाना चाहते हैं तो सीनियर का आपको दिल जीतना चाहिए। और दोस्तों, धन लाभ के लिए आज का दिन अच्छा है। रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। नए निवेश के लिए समय आपके पक्ष में रहेगा। आपके पिता को कई अवसर मिलेंगे जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। बच्चों की तरफ से अच्छी खबर की उम्मीद है, क्योंकि वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। प्यार और रोमांस के जरिए आप इस तनाव भरे जीवन से निजात पा सकते हैं। एक दूसरे की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल ना दें। ऐसा करने से आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा और आप आपस में नजदीक आएंगे। पेट दर्द में यह जलन की शिकायत रह सकती है। सड़क किनारे मिलने वाली तेलीय और मसालेदार पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए। और दोस्तों, कुछ छात्रों को प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि अकादमिक संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। सितारों की चाल कहती है, रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य कर रही परिवेश के लिए यह समय अनुकूल है। धन संबंधी मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें। साझेदारी के कामों में नुकसान हो सकता है, आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप अपनी व्यवसाय कुशलता द्वारा किसी पारिवारिक विवाद को निपटाने में सफल रहेंगे तथा घर में सुकून और शांति भरा वातावरण होगा। अगर घर के बदलाव संबंधी कोई योजना बन रही है तो समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। ध्यान रखें, किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहें तथा आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपनी कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको आर्थिक हानि हो सकती है। घर में मेहमानों के आ जाने से घर में उत्साह का माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान जैसी गतिविधियां सबको सुकून प्रदान करेंगी। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके कैरियर की, तो दोस्तों, पाठा से संबंधित कामों में फायदेमंद परिस्थितियां बन रही हैं। किसी भी काम में अपने सहयोगी की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अपने माल की गुणवत्ता का ज्यादा ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने डिपार्टमेंट संबंधी कुछ बदलाव होने की संभावना है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या दोस्तों, प्रेम के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप विवादों से दूर रहें और किसी के कहने पर आप कोई काम ना करें और ना ही किसी के दबाव में आकर करें, आपके लिए सही और उत्तम रहेगा। आज आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा और अपने प्रेमी प्रेमिका पर भी भरोसा रखें और एक दूसरे से संलग्न रहें, क्योंकि आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा दिन है। इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए और साथ ही आपको बताएं कि अपने प्रेम जीवन को और अधिक अच्छा बनाए रखने के लिए आप उनकी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपको कामकाज के दौरान जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि आप हड़बड़ी में वाहन ना चलाएं, इससे आपको चोट लगने की संभावना है। साथ ही साथ मौसम के बदलाव के कारण हो रही परेशानी से बचने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।